हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट 2024 के बारे में, ठीक है। और ये कॉरपोरेट अकाउंट की आप लोगों की क्लास रहने वाली है, जिसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं निगमीय लेखांकन। क्लास नंबर हम लोगों की कौन सी रहने वाली है, तो क्लास नंबर 3 रहने वाली है। हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉरपोरेट अकाउंटिंग को साथ साथ में कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है आप लोगों की क्लास में, ठीक है। आज की क्लास में हम लोगों ने पिछली 2 क्लासों में हमने क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने वहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ कंपनी, मतलब की कंपनी के बारे में हम लोगों ने, अगर पहली क्लास की बात करते हैं तो कंपनी के बारे में, ठीक है, शेयर के बारे में, टाइप ऑफ शेयर के बारे में, टाइप ऑफ शेयर के बारे में, ठीक है, शेयर कैपिटल के बारे में, शेयर कैपिटल के बारे में। तो मैंने वहां पर जो है ये सभी की सभी जो है बातें मैंने एमसीक्यू में आप लोगों को बताई थी, तो एमसीक्यू में आप लोगों को मैंने वहां पर ये बातें बताई थी। आज की क्लास में हम लोग करने के वाले हैं, आज की क्लास में एमसीक्यू भी हैं आप लोगों की, बहुत सी एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं। तो किसके करने वाले हैं, इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन के हम लोग इनके एमसीक्यू करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो उनकी तैयारी के लिए हम लोग इनकी क्लासों को, इस क्लास को जरूर करेंगे। और हो सकता है इसका पार्ट 2 भी आप लोगों को देखने को मिले बहुत ही जल्द, क्योंकि मैं मतलब कि जल्द से जल्द डेली क्लास लेने की आप लोगों की कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है, ठीक है। और बहुत सी क्लासें मैंने पहले ही ले दी हैं, ठीक है, मतलब कि पहले से ही ले रखी हैं, तो उनकी बात हम लोग करेंगे। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो देख लीजिए कि हम लोग आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, मतलब कि हम लोग ऋणपत्र है, इसलिए ऋणपत्र कहते हैं, ऋणपत्र का अर्थ की बात करेंगे, अर्थ मतलब बताएंगे। फिर उसके बाद हम लोग इनके क्वेश्चन भी, मतलब कि बीच बीच में मैंने क्वेश्चन भी ले रखे हैं, ठीक है, और विशेषताओं के बारे में मुझे बताना है आप लोगों को, एक एक बात इसीलिए लिख रखी है कि जल्द से जल्द हम लोग इनको बताएंगे। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को एमसीक्यू भी कराएंगे। फिर उसके बाद मतलब हम लोग प्रकृति की बात करेंगे कि गर्भपत्र की प्रकृति क्या है। तो मतलब कि मैंने जो करवाई हुई है क्लासे, मतलब कि बीच में मैं न्यूमेरिकल भी, मतलब कि कुछ एमसीक्यू पेपर भी है और एमसीक्यू क्वेश्चन भी है, और कुछ जो है वो थ्योरी भी है, मतलब कि कॉम्बिनेशन को साथ में लेते हुए चलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे और इनकी थ्योरी को भी जानेंगे। तो बिना समय गवाए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऋणपत्र का अर्थ, और ऋणपत्र का अर्थ क्या होता है, अगर हम लोग बात करते हैं ऋणपत्र के अर्थ के बारे में, तो लिखा हुआ है कि ऋणपत्र कंपनी के द्वारा निर्गमित निश्चित समान राशियों के ऋण का प्रमाण पत्र है। ऋणपत्र जो है, जैसे मान लो कंपनी को पैसे की आवश्यकता है, तो कंपनी ने क्या किया है, कंपनी या तो शेयर जारी कर सकती है या फिर कंपनी ऋण पत्र जारी कर सकती है। वो कंपनी की अपनी इच्छा है कि वो किस प्रकार से अपने पैसे को, मतलब कि अपना पैसा जो है प्राप्त कर सकती है, मतलब कैसे कैसे प्राप्त करेगी। तो ऋण पत्रों के द्वारा भी पैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, और शेयर्स के भी द्वारा जो है वो पैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऋण पत्र जो है वो कंपनी के द्वारा निर्गमित निश्चित समान राशियों का एक ऋण का प्रमाण पत्र है, ठीक है। क्या किसका प्रमाण पत्र है, तो याद रखिए कि वो ऋण का प्रमाण पत्र है, ऋण का प्रमाण पत्र है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि जिसके द्वारा कंपनी जनता से लिए गए ऋण की स्वीकृति अपनी सर्व मुद्रा के अंतर्गत देती है, क्योंकि कंपनी की ये क्या होती है, कंपनी की एक कॉमन सील होती है, क्या होती है, कंपनी की एक कॉमन सील होती है, और ये बात कंपनी की विशेषता में बताई है, कंपनी की ये विशेषता है, कंपनी की विशेषता है ये। कॉर्पोरेट अकाउंट में मैंने पढ़ाया हुआ है कंपनी क्या है, कंपनी की पूंजी क्या है, ठीक है, ये बातें मैंने बताई हुई हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिर से आप लोगों को लिए बता रहे हैं कि जिसके द्वारा कंपनी जनता से लिए गए ऋण की स्वीकृति अपनी सर्व मुद्रा के अंतर्गत देती है। जैसे मान लो कि ये कंपनी है और ये जो व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, अब इसने कंपनी को रुपए दिए हैं ऋण के रूप में, तो कंपनी ने इसे क्या दिया है, एक प्रमाण पत्र दिया है, प्रमाण पत्र की भाई तुमने हमें इतने रुपए दिए हैं, हम आपको इस दर से इसका भुगतान करेंगे, मतलब कि इसकी जो ब्याज दर है उसको लिखेंगे, आपने हमें इतनी राशि दी है, इन सभी बातों का इसमें उल्लेख रहता है, हम आपका पैसा किस प्रकार से वापसी करेंगे, तो इन बातों का उल्लेख रहता है, कंपनी अपनी कॉमन सील लगाकर इस प्रमाण पत्र में देती है, तो इसीलिए इसे कहते हैं ऋण का प्रमाण पत्र, इसीलिए इसे कहते हैं ऋण का प्रमाण पत्र कहते हैं, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि ऋण पत्र कंपनी के द्वारा लिए गए ऋण का सूचक है,
किसका सूचक है? ऋण का सूचक है। कंपनी ने ऋण लिया है किससे? तो इस व्यक्ति से कंपनी ने ऋण लिया है, इस व्यक्ति से कंपनी ने ऋण लिया है। तो इसलिए जो है ऋण पत्र कंपनी के द्वारा लिए गए ऋण का सूचक है। इसके धारक को, मतलब कि जो इसे धारण करता है, उसे ऋण पत्रधारी कहते हैं, उसे डिवेंचर होल्डर कहते हैं। ऋण पत्रधारी की बात आती है तो ऋण पत्रधारी कंपनी के क्या होते हैं? तो ये कंपनी के लेनदार होते हैं। कंपनी के क्या होते हैं? ये कंपनी के लेनदार होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्यों लेनदार होते हैं, क्योंकि कंपनी को इनको रुपए वापस करने हैं, क्योंकि कंपनी ने इनसे ऋण लिया है। तो इसीलिए ये कंपनी के क्या हैं? तो इसीलिए ये लोग क्या हैं? कंपनी के लेनदार कहलाते हैं, लेनदार कहलाते हैं। स्वामी जो है, स्वामी कौन कहलाता है? तो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं, वो कंपनी के क्या होते हैं? वो कंपनी के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर और बातें देख लेते हैं कि ऋण पत्र पर ऋण संबंधी शर्तें, जैसे क्या क्या शर्तें होती हैं, ऋण की राशि लिखी होती है, इस प्रमाण पत्र पर क्या क्या लिखा होता है, ये लिखा हुआ है, ऋण की राशि, ब्याज की दर, ब्याज के भुगतान का समय, ऋण की अवधि, शोधन का ढंग आदि बातों का उल्लेख रहता है। ऋण पत्र के आगे ब्याज की दर उल्लेखित रहती है, जैसे 12% ऋण पत्र, 12% ऋण पत्र, मतलब यहाँ पर जो जितना ब्याज देना होता है जिस दर से, उस दर का उल्लेख यहाँ पर सबसे आगे होता है। 12% हो गया, या मान लो 6% हो गया, या 10% हो गया, जितना भी ब्याज का दर है उसको सामने लिखना होता है। ठीक है, ऋण पत्र का निर्गमन सममूल्य पर, एट पार पर, अधिमूल्य पर या कटौती पर किया जाता है। ऋण पत्रों का जो निर्गमन है, इशू ऑफ डिवेंचर है, वो कई प्रकार से किया जा सकता है। एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, ये तीन प्रकार होते हैं। इन तीनों प्रकारों पर ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है। जबकि मैंने बताया है कि शेयर का, अगर हम लोग बात करते हैं शेयर का निर्गमन जो है, इशू ऑफ शेयर की बात करते हैं, इशू ऑफ अगर हम लोग शेयर की बात करते हैं, तो यहां पर बात करते हैं तो किस पर जो है कंपनी जो है एट पार पर इशू कर सकती है और एट प्रीमियम पर इशू कर सकती है, लेकिन एट डिस्काउंट पर इसमें जो है वैधानिक नहीं माना जाता है। डिस्काउंट को यहां पर वैधानिक नहीं माना जाता है शेयर के केस में, लेकिन ऋण पत्रों के केस में कटौती पर हम लोग इसका निर्गमन कर सकते हैं। कंपनी ऋण पत्रों का शोधन ऋण पत्रों के अंशों में परिवर्तित करके या नगद भुगतान के द्वारा करती है। मतलब कंपनी जो है ऋण पत्रों को पैसा जो वापसी है, जैसे मान लो कि हमने इन व्यक्ति से पैसे लिए हैं, कंपनी कहती है कि हमने इस व्यक्ति से पैसे लिए हैं, तो इस व्यक्ति को जो पैसे 10 साल बाद देने हैं या 5 साल बाद देने हैं, तो कंपनी इसी को कहती है शोधन। कंपनी जब पैसा वापसी करती है, कंपनी ऋण पत्र धारियों का रुपए वापस करती है तो उसे शोधन कहते हैं। तो उसे हम लोग ऋण पत्रों का शोधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऋण पत्रों का शोधन कहते हैं। तो ये बात मैंने बताई हुई है। ठीक है, तो अब मैंने जो बताया हुआ है, जी देखिए, ये मैंने कुछ बातें आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बताई हैं। जैसे यहाँ पर जो ऋण पत्र है, अभी मैं MCQ भी आप लोगों को कराऊंगा, तब आप लोग कहना कि हाँ ठीक, इसी प्रकार से MCQ आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, मल्टीपल चॉइस भी लिखे हुए हैं मैंने, क्योंकि यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही साथ में थ्योरी भी बताएंगे आप लोगों को। तो देखो, क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग आराम से करेंगे कि ऋण पत्र है, ऋण पत्र क्या है? ऋण का प्रमाण पत्र है, नगद का प्रमाण पत्र है, साख का प्रमाण पत्र है, या फिर पूंजी का प्रमाण पत्र है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ है कि जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये भी आंसर बताया है कि ऋण जो है
ऋण का प्रमाण पत्र है। किसका प्रमाण पत्र है? ऋण का प्रमाण पत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जो ऋण पत्र है वो ऋण का प्रमाण पत्र है। तो इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दो देखिए, और क्वेश्चन नंबर दो में लिखा हुआ है कि साधारणता ऋण पत्र होते हैं। साधारणता, जब विशेषताएं आप लोगों को बताऊंगा तो वहां पर भी ये बातें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। साधारणता ऋण पत्र होते हैं, सुरक्षित होते हैं, अंशतः सुरक्षित होते हैं, असुरक्षित होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि सामान्यता ऋण पत्र कैसे होते हैं। तो सामान्यता जो ऋण पत्र है वो कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का, अगर हम लोग इस क्वेश्चन की सही आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर है सुरक्षित होते हैं। कैसे होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि ऋण पत्र जो होते हैं, साधारणता ऋण पत्र कैसे होते हैं? सुरक्षित होते हैं, क्योंकि इनके पीछे संपत्तियां रखी होती हैं। क्या रखी होती हैं? संपत्तियां रखी होती हैं, एसेट्स जो हैं वो इनके ऊपर बंधक के रूप में रखी होती हैं, बंधक के रूप में रखी होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर दो, और क्वेश्चन नंबर दो में लिखा हुआ है कि ऋण पत्र पर ब्याज होता है। ऋण पत्र पर ब्याज जो है वो किस दर से दिया जाता है? इस क्वेश्चन का सही मतलब इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऋण पत्र पर जो ब्याज है वो किस दर से दिया जाता है, किस दर से दिया जाता है। ऋण पत्र पर जो है ब्याज जो है वो किस दर से दिया जाता है? 12% दर से, 20% दर से, या फिर निश्चित दर से? तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, निश्चित दर से हम लोग इसकी बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन की ऋण पत्र पर जो ब्याज होता है वो एक निश्चित दर से दिया जाता है। कोई भी दर हो सकती है, 10%, 12% और 6%, 7.5%, किसी भी प्रकार से हो सकती है। तो यहाँ पर निश्चित दर की हम लोग सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर से पहले हम लोगों को ऋण पत्रों की विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। ऋण पत्रों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो विशेषता लिखी हुई है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऋण पत्र कंपनी के द्वारा निर्गमित जो है वो एक लिखित और सर्व मुद्रा में स्वीकृत प्रलेख है। स्वीकृत प्रलेख का मतलब है यहाँ पर सर्व मुद्रा उसमें लिखी होती है, कंपनी की तरफ से कॉमन सील लगी होती है, और ये कैसे होते हैं? ये लिखित होते हैं। दूसरी विशेषता है कि यह कंपनी के ऋण लेने का एक प्रमाण पत्र है। ये तो बात अभी मैंने आप लोगों को बताई है कि एक प्रमाण पत्र है ऋण लेने का, कि हमने भाई एक मतलब कि फलाने फलाने व्यक्ति से इतने रुपए दिए हैं या इतने डिबेंचर हमने उस व्यक्ति से दिए हैं। तो ये क्या है? ऋण का प्रमाण पत्र है, ऋण का प्रमाण पत्र है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन है कि ऋण पत्र भाग होता है, तो ऋण पत्र किसका भाग होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन भी हम लोग बात कर लेते हैं। ऑप्शन लिखे हुए हैं ये ऑप्शन में कि अंश पूंजी का। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है ऋण का, और सी ऑप्शन में लिखा हुआ है स्वामित्व पूंजी का, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि आपूर्तिकर्ता पूंजी का। तो आपूर्तिकर्ता पूंजी का, तो ऋण पत्र भाग होता है। तो ऋण पत्र भाग किसका होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही ऑप्शन बताया है आप लोगों ने, बी ऑप्शन, मतलब कि तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग किसी भी पार्ट को मतलब किसी भी पार्ट को छोड़ने वाले नहीं है। तो मैं एक एक करके आप लोगों को मैंने सोचा है कि अच्छी तरीके से एक एक बात आप लोगों को बताएंगे, चाहे उसके लिए थोड़ा सा समय ही क्यों ना लग जाए, क्योंकि एग्जाम एग्जाम के टाइम तक अगर हम लोग इनका क्विक रिविजन भी करते हैं, फास्ट मोड में भी अगर आप लोग वीडियो को चलाते हैं तो आप लोगों को अच्छी तरीके से हो जाएगा। इस पर अगर हम लोग तीसरी विशेषता की बात करते हैं कि इस पर ब्याज की जो दर है और अवधि है और शोधन की विधि है आदि पूर्व निश्चित होती है, मतलब कि पहले से निश्चित होती है ब्याज की दर। ब्याज मतलब कितना देना है, 10% देना है, 20% देना है, तो ये इसमें पूर्व निर्धारित होती है। पैसा वापसी कैसे करेंगे तो ये इसमें लिखा होता है, ठीक है। तो ये सभी बातें जो है, अवधि कितनी होती है मतलब कितने साल बाद हम आपका पैसा वापस कर देंगे, कंपनी कहती है तो हम आपका पैसा इतने सालों बाद वापस कर देंगे, तो इसका भी उल्लेख उसमें उल्लेख होता है, अवधि का भी उसमें उल्लेख होता है। नेक्स्ट विशेषता में लिखा हुआ है कि इसके ब्याज का जो भुगतान है वो सामयिक मतलब कि 6 महीने में होता है, मतलब कि 6-6 महीने में दो बार दिया जाता है, 6 महीने में और 6 महीने में दो बार दिया जाता है साधारणता। लिखा हुआ है नेक्स्ट विशेषता में कि साधारणता ऋण पत्र कैसे होते हैं, सुरक्षित होते हैं, और अभी मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था तो आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया था कि साधारणता ऋण पत्र कैसे होते हैं, सुरक्षित होते हैं। नेक्स्ट विशेषता में लिखा हुआ है कि ऋण पत्र को हम लोग सममूल्य पर, अधिमूल्य पर, प्रीमियम पर और लिखा हुआ है डिस्काउंट पर, छूट पर मतलब लिखा हुआ है, और एट पार सममूल्य पर। तो मतलब इनको जो है ऋण पत्रों को हम लोग तीन तरीके से इशू कर सकते हैं, एट पार पर, मतलब कि एट पार का मतलब होता है यहाँ पर, एट पार का मतलब होता है, सममूल्य का मतलब होता है कि जितने की वस्तु है, 10 रुपये का अगर ऋण पत्र है और जनता को 10 रुपये का ही दिया है तो ये एट पार है, और एट प्रीमियम का मतलब होता है कीमत 10 रुपये की है लेकिन मांगे कितने हैं जनता से, 12 रुपये, और एट डिस्काउंट का मतलब होता है कीमत 10 रुपये की है और मांगे जनता से कितने हैं, 9 रुपये, तो यहाँ पर सेम टू सेम है, 2 रुपये एक्स्ट्रा जो है, 2 रुपये एक्स्ट्रा है वो है प्रीमियम के, और जो 1 रुपये कम है, 1 रुपये कम है वो किसका है, डिस्काउंट का है। तो इस प्रकार से हम लोग इनको इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट विशेषता में लिखा हुआ है कि ऋण पत्र की जब्ती नहीं होती है, मतलब कि ऋण पत्र को हम लोग फॉर फ्यूचर नहीं कर सकते, हरण नहीं कर सकते। जब्ती का मतलब होता है हरण, फॉर फ्यूचर नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने आप लोगों को कोई रुपये, मान लो 10 रुपये का पेमेंट करना था उसको ऋण पत्रों में, लेकिन उसने जो है 6 रुपये का कर दिया है और 4 रुपये का नहीं किया है, तो आप लोग उसको उसके जो ऋण पत्र हैं उनका हरण नहीं कर सकते हैं, उनको जब्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट विशेषता में लिखा हुआ है कि ऋण पत्र का शोधन जो है वो नगद भुगतान के द्वारा या अंशों में परिवर्तन करके किया जाता है, मतलब कि ऋण पत्रों को जब हम पैसा वापस करते हैं तो या तो नगद दे दिया जाए या उनसे कहा जाए कि आप लोग अपने ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तन कर सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर ऑफर दिया जाता है, अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनका नगद में भुगतान कर दिया जाता है, मतलब उन पर कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो विशेषता लिखी हुई है कि ऋण पत्र कंपनी की ऋणदाता प्रतिभूति होने के कारण इसे कंपनी के आर्थिक चिट्ठा में हम लोग दिखाते हैं, इसमें समता और दायित्व में, और किस शीर्षक में, गैर चालू दायित्व शीर्षक, तो इसमें इस बात को उल्लेखनीय है, इसीलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है कि ऋण पत्र को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, दायित्व में दिखाएंगे, लेकिन कौन से दायित्व में दिखाएंगे, गैर चालू दायित्व में दिखाते हैं, क्योंकि ऋण पत्र जो है वो कैसी लायबिलिटी है, तो ऋण पत्र एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म कैसी है, लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट विशेषता में लिखा हुआ है कि कंपनी अपने ऋण पत्रों को निवेश के रूप में खरीद सकती है, बिल्कुल खरीद सकती है, लेकिन अंशों में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऋण पत्रों में ऐसा होता है, कंपनी अपने ऋण पत्रों को खरीद सकती है। नेक्स्ट विशेषता में लिखा हुआ है कि ऋण पत्र पर जो ब्याज देय होता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या ना हो, कंपनी को ब्याज देना ही होता है, चाहे कंपनी लाभ में हो या हानि में हो, लेकिन कंपनी को ब्याज देना होता है। और लास्ट विशेषता में लिखा हुआ है कि ऋण पत्र के धारक को मत देने और प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। ये किसको होता है, तो ये होता है अंशधारियों को, ये अधिकार किसको होता है, अंशधारियों को ये अधिकार होता है। तो इतनी विशेषताएं मैंने एक एक विशेषता आप लोगों को बताई, ठीक है, क्या क्या विशेषताएं हैं, इनको अच्छी तरीके से एक बार फिर से पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर हम लोग तीन क्वेश्चन कर चुके थे और जो चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कंपनी के लिए अधिमूल्य पर अधिमूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन जो है वो कंपनी के लिए क्या है, पूंजीगत प्राप्ति है, लाभ है, संपत्ति है या फिर व्यापारिक लाभ है। तो कंपनी के लिए अधिमूल्य पर अगर हम ऋण पत्र का निर्गमन करते हैं, तीन प्रकार से हम लोग ऋण पत्रों का निर्गमन करते हैं, ऋण पत्रों का निर्गमन हम लोग तीन प्रकार से करते हैं। एक हम लोग करते हैं एट पार पर, मतलब कि सम मूल्य पर। एक करते हैं प्रीमियम पर, प्रीमियम पर, इसे कहते हैं अधिमूल्य। और एक करते हैं हम लोग डिस्काउंट, इसे कहते हैं कटौती पर। तो हम लोग जो ऋण पत्र जारी करते हैं, कंपनी कहती है कि हम तीन प्रकार से अपने ऋण पत्र जारी कर सकते हैं, सम मूल्य पर, अधिमूल्य पर और कटौती पर। अब पूछा है कि कंपनी अपने ऋण पत्रों को अधिमूल्य पर निर्गमित करती है तो कंपनी को क्या होता है। तो कंपनी को, जैसे मान लो एक कंपनी की अंश की कीमत है 10 रुपए की, ऋण पत्र की कीमत है 10 रुपए की, लेकिन कंपनी जो है ऋण पत्र धारियों से कितने मांगती है, 12 रुपए। तो 2 रुपए कंपनी ने एक्स्ट्रा मांगे हैं, तो इसीलिए कंपनी को लाभ हुआ है। अब लाभ कौन सा है, आयगत है कि पूंजीगत है। तो ऐसा लाभ जो बार बार ना मिले उसे हम पूंजीगत लाभ कहते हैं, उसे हम पूंजीगत लाभ कहते हैं। तो ये कैसा लाभ है, पूंजीगत लाभ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीगत प्राप्ति या पूंजीगत लाभ। ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो है पूंजीगत प्राप्ति, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 5 नंबर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आर्थिक चिट्ठा में, मतलब बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में अधिमूल्य पर ऋण पत्रों को दिखाया जाता है। अधिमूल्य पर ऋण पत्रों को कहाँ दिखाते हैं हम लोग, तो दायित्व पक्ष में दिखाते हैं, संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं, आर्थिक चिट्ठा के बाहर दिखाते हैं, या लाभ हानि खाते के, मतलब कि लाभ हानि खाते में, के लाभ हानि खाते के विवरण में दिखाते हैं। तो यहाँ पर इसके सही क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोग बताइए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आर्थिक चिट्ठा में अधिमूल्य पर ऋण पत्रों को दिखाया जाता है, तो वो हम लोग किस में दिखाते हैं, तो याद रखिए कि वो हम लोग दायित्व पक्ष में दिखाते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर है ई ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली है, और क्वेश्चन नंबर की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऋण पत्र के अधिमूल्य की राशि का उपयोग किया जा सकता है, मतलब कि हम लोग जो प्रीमियम है ऋण पत्र, ऋण पत्रों पर प्राप्त प्रीमियम, जो अधिमूल्य जो मैंने हम लोगों को जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है, उसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, पूंजीगत हानियों को समाप्त करने में, या फिर भूतकालीन हानियों को समाप्त करने में, या फिर भविष्य, जो भविष्यकालीन जो हानियां हैं उनको समाप्त करने में, या फिर व्यापारिक हानियों को समाप्त करने में। तो ऋण पत्रों के अधिमूल्य की राशि का, अधिमूल्य की राशि का हम लोग उपयोग कहाँ पर कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है तो वो क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं ऋण पत्रों के अधिमूल्य की राशि का उपयोग हम लोग पूंजीगत हानियों को समाप्त करने में कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम प्रीमियम की बात करते हैं तो ये कैसा है, कंपनी को प्राप्ति तो हुई है, तो कैसी प्राप्ति है, तो आपने, मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि ये पूंजीगत प्राप्ति है या पूंजीगत लाभ है। तो पूंजीगत लाभ से हम लोग पूंजीगत हानि को समाप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आर्थिक चिट्ठा में ऋण पत्र पर कटौती को दिखाया जाता है। आर्थिक चिट्ठा में अगर हम
कटौती को दिखाते हैं तो हम लोग कहाँ पर दिखाएंगे। जैसे मान लो कि अगर हम दायित्व को दिखाते हैं, सॉरी प्रीमियम को हम लोग कहाँ पर दिखाते हैं, ऋण पत्रों पर प्राप्त प्रीमियम हम लोग कहाँ पर दिखाते हैं, आर्थिक चिट्ठा में। तो आर्थिक चिट्ठा में कहाँ पर दिखाते हैं, दायित्व पक्ष में। और यदि ऋण पत्रों पर कटौती को दिखाया जाएगा तो कटौती को हम लोग कहाँ पर दिखाते हैं, तो याद रखिए कि उसे भी हम लोग आर्थिक चिट्ठा में तो दिखाते हैं, कहाँ पर दिखाते हैं, आर्थिक चिट्ठा में, लेकिन दायित्व पक्ष में नहीं, हम लोग कहाँ पर दिखाते हैं, संपत्ति पक्ष में। क्योंकि कटौती ये क्या है, तो कटौती जो है अगर देखा जाए तो एक तरीके से डिस्काउंट जो है वो एक तरीके से एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जो है अगर हम लोग बात करते हैं कृत्रिम संपत्तियों की साइड में हम लोग इसको दिखाएंगे, कृत्रिम संपत्ति, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि आर्थिक चिट्ठा में ऋण पत्रों पर जो कटौती को दिखाया जाता है वो कहाँ पर दिखाया जाता है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग पढ़ना है हम लोगों को ऋण पत्रों की प्रकृति के बारे में, हम लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब प्रकृति को मैंने पहले ही आप लोगों को बहुत सी बातें क्लियर कर दी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि ऋण पत्र दीर्घ अवधि, मैंने बताया है कि ऋण पत्र दीर्घ अवधि ऋण पूंजी लॉन्ग टर्म लोन कैपिटल का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। दूसरा जो लिखा हुआ है प्रकृति की ऋण पत्र के माध्यम से सस्ती लागत ब्याज दर पर सुरक्षित दीर्घ अवधि पूंजी की प्राप्ति होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो लिखा हुआ है प्रकृति की अच्छी शोधन क्षमता रखने वाली कंपनियां अपनी सर्व मुद्रा के द्वारा ऋण पत्र जारी करती हैं, सर्व मुद्रा जिसे कॉमन सील कहते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट प्रकृति में लिखा हुआ है कि ऋण पत्र पर ऋण संबंधी शर्तें उल्लेखित रहती हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को आशय में पढ़ाया है कि इसमें जो शर्तें होती हैं, जैसे जो है अमाउंट की राशि, ठीक है, मतलब जो अमाउंट लिखी होती है, राशि लिखी होती है, उसके बाद अवधि लिखी होती है, ब्याज की दर लिखी होती है, शोधन की विधि लिखी होती है, ऐसी कई शर्तें जो हैं ऋण के प्रमाण पत्र में लिखी होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रकृति लिखी हुई है कि इसका निर्गमन हम लोग सममूल अधिमूल और छूट पर किया जाता है, ये बात भी मैंने बताई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट विशेषता में लिखा हुआ है कि ऋण पत्र का शोधन नगद और अंशों में परिवर्तन करके किया जा सकता है, ये भी बात अभी बताई थी मैंने आप लोगों को। उसके बाद लिखा हुआ है कि ऋण पत्र का जो धारक है वो क्या कहलाता है, ऋण पत्र धारी होता है। यह कंपनी का क्या होता है, देनदार होता है। ये देनदार नहीं लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, लेनदार होता है, ठीक है। इसे कंपनी की प्रबंध व्यवस्था में भाग लेने तथा मत देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है, ये भी बात मैंने अभी आप लोगों को बताई थी, ठीक है। मतलब ये सारी बातें जो हैं देखा जाए तो मैंने पहले ही आप लोगों को कहीं ना कहीं बातों में बता दिया है, ठीक है, नहीं तो आप लोगों को लिखा हुआ मिला है। उसके बाद नेक्स्ट जो लिखा हुआ है कि ऋण पत्र जो है कंपनी की समापन की स्थिति में ऋण की राशि के भुगतान के बाद अंशधारियों को पूंजी वापस की जाती है, मतलब प्राथमिक अधिकार किनका होता है, तो ऋण पत्र का होता है, इनको राशि पहले वापस की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ऋण पत्रों को जब्त नहीं किया जाता, ये बात भी पता है आप लोगों को। और लास्ट विशेषता में लिखा हुआ है, लास्ट प्रगति में लिखा हुआ है कि ऋण पत्रों का जो शोधन है वो कंपनी के जीवन काल में ही होता है, ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। तो इन विशेषताओं में इन प्रकृति में जो अभी आप लोगों को नहीं समझ में आती हैं वो आप लोग बताइए, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मैं आप लोगों की रिप्लाई ना करता हूं, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये प्रकृति जो मैंने आप लोगों को बताई है, एक एक पॉइंट आप लोगों को बताया है अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर में कि परिवर्तनशील, अभी मैं आप लोगों को ऋण पत्रों के प्रकार भी आप लोगों को बताने वाला हूं, तब आप लोगों को ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि परिवर्तनीय ऋण पत्रों को छूट पर जारी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये तुरंत परिवर्तनीय होते हैं, नहीं होते हैं उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि
परिवर्तनीय ऋण पत्रों को छूट पर जारी क्यों नहीं किया जाता? तो परिवर्तनीय ऋण पत्रों को छूट पर जारी इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये तुरंत परिवर्तनीय होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आर्थिक चिट्ठा के निम्नलिखित भाग में निर्गमित ऋण पत्र के छूट मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट को मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या है, एक तरीके से खर्चा है। क्या है? एक तरीके से खर्चा है, व्यय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो दिखाया जाता है आर्थिक चिट्ठा में। हम लोग उसे कहाँ पर दिखाते हैं? तो आर्थिक चिट्ठा के निम्नलिखित भाग में निर्गमित ऋण पत्रों के छूट को दिखाया जाएगा, लाभ हानि विवरण में, विविध व्यय में, या फिर ऋण पत्र खाते में। तो आर्थिक जो है चिट्ठे के निम्नलिखित भाग में निर्गमित ऋण पत्रों के छूट को दिखाया जाएगा, तो यहाँ पर बात आती है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, मतलब कि विविध व्यय में। ठीक है, तो यहाँ पर आर्थिक चिट्ठा ना लिख के हम लोगों को अंतिम खाते लिखने चाहिए था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? विविध व्यय है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें एरर है। अगर ये पूछा कि आर्थिक चिट्ठा के किस भाग में, तो हम लोग कहाँ पर ले जाते हैं इसको? संपत्ति में। और संपत्ति में हम लोग कौन सी संपत्ति में? कृत्रिम संपत्ति में। कृत्रिम संपत्ति में, तो इसीलिए कृत्रिम संपत्तियां कौन सी होती हैं? एक तरीके से खर्चे नुमा जो संपत्तियां होती हैं, तो वो कृत्रिम संपत्तियां होती हैं, जो प्रारंभिक व्यय है होते हैं, या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होती हैं। तो इस प्रकार से ये सभी कृत्रिम संपत्तियां होती हैं। ऐसी व्यय जो कई वर्षों तक लाभ देते हैं कंपनी को। ठीक है, ऐसे खर्चे जो कई वर्षों तक कंपनी को लाभ देते हैं, तो इसीलिए इनको क्या किया जाता है? इनको एक साल के लिए, मतलब कि एक साल इकट्ठा डाल के इनको, मतलब कि जैसे मान लो एक साल में डाल देंगे पूरा का पूरा अमाउंट, तो लाभ हानि खाता उस साल का इफेक्ट करेगा, लेकिन लाभ तो कई वर्षों तक प्राप्त होगा। तो इसीलिए इसको किस्तों में डालते हैं, तो इसीलिए इसको संपत्ति पक्ष में, कृत्रिम संपत्ति पक्ष में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। और 10 नंबर में लिखा हुआ है कि ऋण पत्र जो मात्र सुपुर्द पर देने पर हस्तांतरित हो जाते हैं वो कहे जाते हैं। तो सुपुर्द पर हस्तांतरित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पंजीकृत ऋण पत्र कहते हैं, प्रथम ऋण पत्र कहते हैं, या फिर वाहक ऋण पत्र कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, बिल्कुल सॉरी सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उनको क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग वाहक ऋण पत्र कहते हैं। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो, ऋण पत्रों के प्रकार भी हम लोगों को अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ टॉपिक फिर भी हम लोगों के रह जाते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, हम लोगों को क्या क्या और पढ़ना है, तो हम लोगों को सिंकिंग फंड के बारे में पढ़ना है, सिंकिंग फंड के बारे में पढ़ना है, कॉटरल सिक्योरिटी सहायक प्रतिभूति के रूप में पढ़ना है। ठीक है, उसको बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है? बॉन्ड पढ़ने हैं, हम लोगों को बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बॉन्ड और ऋण पत्र में अंतर को हम लोगों को देखना है, प्रभार को हम लोगों को पढ़ना है, प्रभार क्या होता है। ठीक है, प्रभार को हम लोगों को पढ़ना है, और भी जो कई टॉपिक हैं वो भी हम लोगों को अभी पढ़ने हैं। ठीक है, तो इनकी हम लोग बात धीरे धीरे करके एक एक बात आप लोगों को बताने वाले हैं। ऋण पत्रों का शोधन हम लोगों को पढ़ना है, ऋण पत्रों का शोधन के स्रोत हम लोगों को पढ़ने हैं कि कहाँ कहाँ से हम पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों को सिक्योरिटी प्रीमियम पढ़ना है, प्रीमियम पढ़ना है कि प्रीमियम का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अभिगोपक कमीशन पढ़ना है कि कितना परसेंट कमीशन दिया जाता है, अभिगोपक कमीशन हम लोगों को देखना है। तो मतलब जो टॉपिक हैं वो मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ कि हम लोगों को ये टॉपिक तो जरूर जरूर करने हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है, कि जो टॉपिक मैंने बताए हुए हैं, इन टॉपिकों पर मैं आप लोगों पर काम करने वाला हूँ। ठीक है, शोधन कोष विधि भी हम लोग पढ़ेंगे। शोधन कोष विधि को ही कहते हैं सिंकिंग फंड। ठीक है, इसी को कहते हैं शोधन कोष विधि। ठीक है, तो इनको हम लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और भी जो बच्चे हैं, जो भी आप लोगों को लगता है कि जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप लोग भेज सकते हैं, क्योंकि ये एस्टेट है, ये क्वालिफाई सब्जेक्ट है, तो इसको आराम से आप लोग क्वालिफाई कीजिए। ठीक है,
अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर की बात आती है 11 नंबर की। और 11 नंबर में हम लोग क्या करने वाले हैं, 11 नंबर में हम लोग देखने वाले हैं कि कंपनी के ऋण पत्र जो है, ऋण पत्र पर कटौती जो है वो क्या है, एक कृत्रिम संपत्ति है, दायित्व है, हानि है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि ये क्या है, तो ये क्या है, तो ये एक कृत्रिम संपत्ति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक कृत्रिम संपत्ति है। तो इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर से पहले हम लोगों को ऋण पत्र के प्रकार पढ़ने हैं। अब ऋण पत्र के प्रकार जो होते हैं, तो ऋण पत्रों का वर्गीकरण उनके हस्तांतरणीय, उनकी सुरक्षा, उनकी शोधनशीलता, परिवर्तनशीलता और कूपन दर के आधार पर किया जाता है। तो शोधन, अगर हम लोग इनके प्रकार की बात करते हैं, तो एक नंबर प्रकार सबसे पहला लिखा हुआ है कि हस्तांतरणीय या लेखा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएबिलिटी। नेगोशिएबिलिटी का यहाँ पर मतलब है कि सबसे पहला ऋण पत्र है पंजीकृत। ऐसे ऋण पत्र जिनका अगर पंजीयन किया जाता है तो उन्हें हम पंजीकृत ऋण पत्र कहते हैं, उन्हें हम रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहते हैं। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो वे ऋण पत्र जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्गमित किए जाते हैं और जिनकी प्रविष्टि कंपनी के अंशधारियों के रजिस्टर में की जाती है, वे पंजीकृत ऋण पत्र कहलाते हैं। इन ऋण पत्रों के मूलधन तथा उस पर ब्याज दर का भुगतान केवल कंपनी के पंजीकृत ऋण पत्र धारियों को ही दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जाएगा और कंपनी उसको पेमेंट कर देगी, ऐसा नहीं है। जिसका नाम लिखा है उसी को पेमेंट मिलेगा, तो इसका नाम है पंजीकृत ऋण पत्र। अब इसी में दूसरा प्रकार है वो है वाहक ऋण पत्र। वाहक ऋण पत्र का मतलब है यहाँ पर बियर डिवेंचर। अभी मैंने एक क्वेश्चन भी आप लोगों को इसका कराया था कि वे ऋण पत्र जिनकी प्रविष्टि कंपनी के ऋण पत्र धारियों के रजिस्टर में नहीं होती है और जिनका हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है। जैसे मान लो कि मेरे पास ऋण पत्र है, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, तो मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया है, दूसरे व्यक्ति ने किसी तीसरे व्यक्ति को दे दिया है, मतलब कि एक तरीके से मात्र सुपुर्दगी मात्र से ही इसका हस्तांतरण हो जाता है, तो ऐसे ऋण पत्रों को वाहक ऋण पत्र कहते हैं। इन ऋण पत्रों के मूलधन तथा ब्याज का भुगतान उनके वाहक को दिया जाता है। कोई भी जो वाहक होता है, मतलब कि कोई भी जिसके पास ऋण पत्र होते हैं, जो खिड़की पर पेमेंट लेता है, जैसे हम लोगों ने चेक पढ़ी है कि एक होती है रेखांकित चेक और एक होती है बियरर चेक, वाहक चेक। तो एक तरीके से वाहक ऋण पत्र भी हम लोगों के होते हैं, कोई भी इनका भुगतान ले सकता है, जिसके पास है वो इसका भुगतान ले सकता है। लिखा हुआ है कि वाहक ऋण पत्रों के साथ कूपन संलग्न होते हैं, जिनको बैंक में प्रस्तुत करके वाहक बैंक से ब्याज की राशि प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर याद रखिए कि कूपन संलग्न किसमें होती हैं, तो वाहक ऋण पत्र में कूपन संलग्न होते हैं। तो अच्छी तरीके से हस्तांतरणीय ऋण पत्र समझ में आई। एक होते हैं हम लोगों के रजिस्टर्ड ऋण पत्र इसमें, और एक होते हैं हम लोगों के बियरर डिवेंचर, और एक होते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर, ठीक है। तो ये होते हैं। अब दूसरा जो प्रकार है सुरक्षा के आधार पर, अब सुरक्षा के आधार पर कौन कौन से होते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। तो पहला होता है सुरक्षित ऋण पत्र और एक होता है असुरक्षित ऋण पत्र। अब सुरक्षित ऋण पत्र कौन से होते हैं, जैसे मान लो 1,00,000 के ऋण पत्र कंपनी ने लिए हैं और बदले में क्या रखी हैं, अपनी संपत्तियां रखी हैं। कितने की रखी हैं, 1,50,000 की संपत्तियां रखी हैं। अब मान लो कंपनी इनका भुगतान, इन ऋण पत्रों का भुगतान अगर नहीं करती है, तो ऋण पत्र धारी क्या करेंगे, इनको बेच देंगे, और बेचने से जो पैसा आएगा वो अपना पैसा कवर करेंगे। तो एक तरीके से ये कैसे ऋण पत्र होते हैं, तो ये सुरक्षित ऋण पत्र होते हैं। कैसे होते हैं, तो ये सुरक्षित ऋण पत्र माने जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं सुरक्षित या बंधक सहित ऋण पत्र। तो इनके बारे में पढ़ते हैं, इन्हें कहते हैं सिक्योर या मॉर्गेज डिवेंचर। तो वे ऋण पत्र जो कंपनी की चल हो या अचल संपत्ति पर प्रभार का मतलब होता है चार्ज। और मैंने कहा है कि हम लोग प्रभार को पढ़ने वाले हैं। प्रभार कितने प्रकार के होते हैं,
ठीक है, प्रथम प्राथमिक प्रभार क्या होता है, द्वितीय प्रभार क्या होता है, तो इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बॉन्ड क्या होती है ये भी बताऊंगा। बहुत सी बातें और भी हैं, पार्ट टू में भी करेंगे, हो सकता है पार्ट थ्री भी आए, लेकिन एक एक बात को आप लोगों को बताएंगे चाहे कितना भी समय लग जाए। ठीक है, तो प्रभार द्वारा सुरक्षित होती है, सुरक्षित या बंधक सहित ऋणपत्र कहलाती है। ठीक है, मतलब की जो कंपनी की चल हो या अचल संपत्ति, फिक्स एसेट्स हो या करेंट एसेट्स हो, उन पर अगर कंपनी के जो है डिवेंचर जो है रखे हुए हैं, डिवेंचर पर मतलब की सुरक्षा के रूप में रखे हैं, तो उन्हें सुरक्षित ऋण पत्र कहेंगे, क्योंकि वो सुरक्षित हैं। नहीं, अगर कंपनी पैसे देगी तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग एसेट बेच देंगे। जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेंगे तो बैंक ने क्या रखा लिया है, आप लोगों के मतलब की जैसे मान लो कि हाउस के जो है हाउस के कागज रखा लिए हैं। बैंक क्या करती है कि हाउस के जो कागज हैं वो बंधक के रूप में रख लेती है अपने पास। अगर आप लोन नहीं भरते हैं तो वो कंपनी जो है बैंक क्या करेगी कि आपके जो है हाउस को बेच देगी और बेचने से अपना पैसा कवर करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या होती हैं, ये सुरक्षित ऋण माने जाते हैं, ये सुरक्षित ऋण माने जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये सुरक्षित ऋण पत्र कहे जाते हैं। दूसरा है असुरक्षित ऋण पत्र। अब असुरक्षित ऋण पत्र कौन से होते हैं, असुरक्षित ऋण पत्र को नाम याद रखिए कि इन्हें साधारण या नग्न ऋण पत्र भी कहते हैं, क्योंकि इनके नाम भी कई कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वे ऋण पत्र जिन पर देय ब्याज और मूलधन के लिए कंपनी की कोई प्रतिभूति प्रभारित नहीं होती है, मतलब कि कोई भी प्रतिभूति कंपनी की इस इनके पीछे नहीं रखी है। ठीक है, तो ये असुरक्षित ऋण पत्र या नग्न ऋण पत्र कहलाते हैं। यह केवल ऋण का एक प्रमाण पत्र होता है, कंपनी के समापन के समय इन्हें साधारणतः लेनदार माना जाता है। इन ऋण पत्रों का प्रचलन अब नहीं के बराबर है, मतलब कि अब इन ऋण पत्रों का प्रचलन ना के बराबर होता है। तो कौन से ऋण पत्रों का निर्गमन होता है, तो मैंने अभी कहा है कि सामान्यतः ऋण पत्र कैसे होते हैं, सुरक्षित ऋण पत्र होते हैं, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, और नेक्स्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं शोधन के आधार पर। अब शोधन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शोधनीय ऋण पत्र और एक होते हैं अशोध ऋण पत्र। शोधनीय का मतलब होता है कि इनका पैसा कंपनी एक निश्चित समय में वापस करेगी, वो बताएगी, लेकिन इनका पैसा जो है कंपनी सिर्फ समापन पर इनका पैसा इनको वापस करेगी, जब कंपनी का समापन होगा तभी इनका पैसा वापस होगा। सामान्यतः इस प्रकार के ऋण पत्र नहीं होते हैं। ठीक है, ज्यादातर इस प्रकार के ऋण पत्र शोधनीय ऋण पत्र जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि वे ऋण पत्र जिनका शोधन कंपनी द्वारा निश्चित अवधि के बाद ऋण पत्र धारियों की मांग पर या उन्हें उन्हें सूचना देकर किया जाता है, वे शोधनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। कंपनी अपने जीवन काल में इन ऋण पत्रों का भुगतान कर देती है, साधारणतः कंपनी शोधनीय ऋण पत्रों का निर्गमन करती है। देखो लिखा हुआ है, पूछा जाता है कि साधारणतः कंपनी शोधनीय या अशोधनीय ऋण पत्रों का निर्गमन करेगी, तो याद रखिए कि साधारणतः कंपनी शोधनीय ऋण पत्रों का निर्गमन करती है, अशोध ऋण पत्रों का निर्गमन नहीं करती है, क्योंकि वे ऋण पत्र जिनका शोधन कंपनी के समापन पर किया जाता है तो उन्हें अशोध ऋण पत्र कहते हैं। कंपनी इन नियमित रूप से ब्याज देती रहती है, कंपनी क्या करती है इन्हें नियमित रूप से ब्याज लगातार देती रहती है, लेकिन इनकी मूलधन की जो राशि है वो कब देती है, कंपनी अपने समापन पर देती है, समापन पता नहीं कंपनी कब करेगी, इस प्रकार के ऋण पत्र जारी नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है परिवर्तनशीलता के आधार पर, परिवर्तनशीलता के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं परिवर्तनीय ऋण पत्र और एक होते हैं अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। अपरिवर्तनीय ऋण पत्र वो होते हैं जिनका परिवर्तन अंशों में किया जा सके और जिनका जो है परिवर्तन किसी में नहीं किया जा सके उन्हें अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं। तो वे ऋण पत्र जिनका शोधन समता अंशों में परिवर्तन के द्वारा नहीं किया जाता तो वो अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। और वे ऋण पत्र जिनका शोधन ऋण पत्र धारियों की स्वेच्छा पर समता अंशों या अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करके किया जाता है उन्हें हम परिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं। यह परिवर्तन एक निश्चित समय अवधि में निर्धारित शर्तों के अनुसार होता है, ये ऋण पत्र काफी लोकप्रिय होते हैं, ये लोकप्रिय हैं। और लास्ट जो प्रकार लिखा हुआ है कि कूपन दर या ब्याज दर के आधार पर, तो इसमें जो लिखा हुआ है कि कूपन दर की बात करते हैं, तो विशिष्ट कूपन दर ऋण पत्र, तो विशिष्ट कूपन दर ऋण पत्र क्या होते हैं इनको पढ़ लीजिए कि जब ऋण पत्र पूर्व निश्चित ब्याज दर जिसे कूपन दर कहते हैं पर निर्गमित किया जाता है तो इसे विशिष्ट कूपन दर ऋण पत्र कहते हैं। मतलब कि पूर्व निश्चित ब्याज दर पर अगर हम इन्हें इशू करते हैं तो वो पूर्व निश्चित विशिष्ट कूपन दर ऋण पत्र कहलाते हैं। यह दर निश्चित या चल मतलब कि फ्लोटिंग होती है, सामान्यतः चल दर को बैंक दर से संबंधित कर दिया जाता है। कंपनियों के द्वारा सामान्यतः इसी प्रकार के ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं। और दूसरा लिखा हुआ है कि शून्य कूपन दर ऋण पत्र, लिखा हुआ है कि जब ऋण पत्रों पर
ब्याज की जो दर है निश्चित नहीं होती है तो इसे शून्य कूपन दर ऋण पत्र कहते हैं। इनका निर्गमन अत्यधिक कटौती पर किया जाता है। इसके निर्गमन इशू प्राइस या अंकित मूल्य का अंतर ऋण पत्रों की अवधि पर अवधि का ब्याज होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है, मतलब इसको आप लोग समझ गए होंगे कि शून्य दर ऋण पत्र क्या होते हैं, विशिष्ट कूपन दर ऋण पत्र क्या होते हैं। तो इनको और अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा आप लोग, मैं पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, लिखा हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन में कि ऋण पत्र का प्रतिफल है तो ऋण पत्रों का प्रतिफल क्या है। जैसे अंशों का प्रतिफल क्या है, तो अंशों का जो प्रतिफल है वो लाभांश है। मतलब कि ऋण पत्रों के बदले में क्या दिया जाता है, अंशों धारियों को क्या दिया जाता है, लाभांश दिया जाता है। ऐसे ही ऋण पत्र धारियों को क्या दिया जाता है, तो ऋण पत्र धारियों को ब्याज दिया जाता है। इसीलिए ऋण पत्र का प्रतिफल क्या है, कंसिडरेशन क्या है, ब्याज है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन आप लोग भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को बताया है कि ऋण पत्र धारी होते हैं तो ऋण पत्र धारी क्या होते हैं, कंपनी के स्वामी होते हैं, नहीं होते हैं, कंपनी के लेनदार होते हैं। बिल्कुल सही आंसर है कि कंपनी के लेनदार होते हैं। कंपनी के ग्राहक होते हैं, बिल्कुल नहीं। कंपनी के बैंकर, तो बिल्कुल नहीं। तो मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन ही ज्यादा अच्छा है, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और लिखा हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन में कि कंपनी के ऋण पत्र पर अगर कटौती करती है तो वो पूंजीगत हानि है या आयगत हानि है या सामान्य हानि है या फिर व्यापारिक हानि है। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का ई ऑप्शन, क्योंकि अगर हम लोगों को अधिमूल्य पर करते हैं तो पूंजीगत प्राप्ति होती है, लेकिन अगर हम कटौती पर निर्गमन करते हैं तो वो पूंजीगत हानि होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो आगे है ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सहायक प्रतिभूति है, तो सहायक प्रतिभूति क्या है, प्राथमिक प्रतिभूति है, सहायक प्रतिभूति है, सामान्य प्रतिभूति है या द्वितीयक प्रतिभूति है। तो याद रखिए कि सहायक प्रतिभूति क्या है, एक सहायक प्रतिभूति है। ये मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रीमियम पर निर्गमित ऋण पत्रों के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। प्रीमियम पर निर्गमित ऋण पत्रों के शेष को हस्तांतरित किया जाता है संचय कोष में, पूंजी संचय में या फिर लाभ हानि के विवरण में। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रीमियम पर जो निर्गमित ऋण पत्रों के शेष को हम लोग कहाँ पर दिखाते हैं, कहाँ पर हस्तांतरित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हम लोग कहाँ पर देखते हैं, तो वो पूंजी संचय में, कैपिटल रिजर्व में दिखाते हैं। हस्तांतरित किया जाता है कहाँ पर, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि विक्रेताओं को 5 लाख की शुद्ध संपत्ति के प्रतिफल के बदले 4,50,000 के ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं तो जो शेष 50,000 किस खाते में नाम किया जाएगा, तो वो किस खाते में नाम किया जाएगा। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो यदि विक्रेताओं को 5 लाख की शुद्ध संपत्ति के बदले में 4,50,000 के जो ऋण पत्र जारी किए जाते हैं और 50,000 किस खाते में नाम किए जाएंगे, तो 50,000 जो शेष बचे वो सामान्य संचय से लिए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, मतलब नाम किए जाएंगे। डेबिट कौन सा खाता किया जाएगा, तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व को हम लोग डेबिट करेंगे। इसका राइट आंसर है सी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि, और ये हम लोगों के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कि बैंक से लिए गए ऋण के लिए ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन करने पर किस खाते को डेबिट करेंगे। तो किस खाते को हम लोग डेबिट करेंगे, तो याद रखिए कि बैंक ऋण पत्र खाते को या फिर डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को, डिवेंचर उचंत खाते को। तो इसका जो सही आंसर है, वो है हम लोगों का डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को हम लोग उसमें डेबिट करेंगे। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऋण पत्र प्रतिनिधित्व क्या करता है, संचालक का कंपनी में हिस्सा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, संचालक का कंपनी में हिस्सा,
संचालक का कंपनी में हिस्सा बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि समता अंशधारियों का कंपनी में हिस्सा बिल्कुल नहीं, पूर्वाधिकार अंशधारियों का कंपनी में हिस्सा बिल्कुल नहीं, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि कंपनी का दीर्घकालीन ऋण कंपनी का दीर्घकालीन ऋण। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन ही, इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऋण पत्र जो प्रतिनिधित्व करता है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, ऋण का प्रतिनिधित्व करता है, ऋण का प्रमाण पत्र है, ये बात बताई हुई है। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 19 क्वेश्चन किए हैं और कुछ बातें भी हम लोगों ने जानी है, जैसे ऋण पत्र के प्रकार बताए मैंने आप लोगों को, ठीक है, और मैंने आप लोगों को ऋण पत्र की प्रगति के बारे में बताया, ऋण पत्र की विशेषताओं के बारे में मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया, ठीक है, और ऋण पत्र के अर्थ के बारे में बताया, और जो भी टॉपिक आप लोगों के रह जाते हैं वो भी मैं आप लोगों को अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है, और जो भी रह जाएंगे वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। बस आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी करते रहिए और अपनी जो है एस्टेट की तैयारी को बहुत अच्छा करते रहिए, क्योंकि सभी को क्वालिफाई करना है, ये बात याद रखिए। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ आप लोग लाइक करें, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें, ये मेरी आप लोगों से विनती है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।